हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है द प्रिंस एंड द पीकॉक फैंस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट हु हैड सेवन डॉटर्स। एक बार की बात है, यहाँ धनी व्यापारी रहता था जिसकी सात बेटियां थी। ही वॉज वेरी एरोगेंट अबाउट हिज वेल्थ एंड लॉस्ट नो अपॉर्चुनिटी टू शो इट ऑफ। वो बहुत घमंडी था और अपनी वेल्थ का दिखावा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। One day, lacking an audience, he called his seven daughters and asked them, "Whose fortune keeps you alive and happy?" एक दिन वो अपनी बेटियों को बुलाता है और उनसे पूछता है, किसकी भाग्य के सहारे तुम जीवित और खुश हो? Six daughter replied, "Yours, papa." छह जो बेटियां उसकी उसके फेवर में बात करती हैं कि आपके भाग्य के कारण पिताजी। But the youngest was the willful and she said, "I am alive and happy because of my own good fortune." लेकिन जो उसकी सबसे छोटी बेटी है वो बहुत बुद्धिमान है। वो कहती है, मैं अपनी खुद की किस्मत के कारण खुश और जीवित हूँ। वेरी वेल, सेड हर एंग्री फादर, लेट मी सी हाउ फार योर गुड फॉर्च्यून कैरी यू मेज। तो उसका फादर है उसे बहुत गुस्से हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा अच्छा भाग्य तुम्हें कहाँ तक लेके जाता है। He called his palkin bearers and sent her away to the dense forest. वो अपने पालकी उठाने वाले लोगों को बुलाता है और उसको घने जंगल में दूर भेज देता है। He allowed her to take only her box of sewing needles and thread and an old nurse who had been with her since she was born. वो उसको अपने साथ में सिर्फ सुई और धागा ले जाने की अनुमति देता है और एक ओल्ड नर्स को उसके साथ भेजता है जो कि बचपन से उसके साथ है। The two women were sat down at sunset at the foot of a gigantic teak tree. The palkin bearers saluted them and left. तो अब दोनों औरतें एक बड़े से टीक ट्री के नीचे बैठी हुई हैं। सूर्यास्त का समय है और जो पालकी उठाने वाले हैं उनको सल्यूट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। The teak tree looked down at the little 14-year-old girl crying with fear. Unhappy girl, it said. Soon the wild beasts of the jungle will come out and eat you up. तो जो टीक का ट्री है वो 14 साल की छोटी लड़की को देखता है जो डर के मारे रो रही है। जल्दी ही जंगली जानवर आएंगे और तुम्हें खा जाएंगे। But as it spoke, the girl looked so piteous that its heart softened. All right, don't cry. I will help you. I will open my trunk and both of you can hide in it. लेकिन वो जैसे ही ये शब्द बोलते हैं, कौन? वो टीक का ट्री। तो वो लड़की और भी ज्यादा दयनीय दिखाई देती है जिससे उस टीक ट्री का हृदय और पिघल जाता है। तो वो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने तने को खोल दूंगा और तुम दोनों उसके अंदर छुप जाना। द टीक स्प्लिट इट्स ट्रंक एंड द गर्ल एंड हर नर्स क्लाइम्ड इनटू द होलो। द ट्री क्लोज्ड बैक इनटू इट्स नेचुरल शेप। तो जो टीक का ट्री है वो अपने ट्रंक को बीच में से खोल देता है तो वो गर्ल और नर्स उस खोखली जगह में चली जाती हैं और ट्री वापस से अपने नेचुरल शेप में बंद हो जाता है। द वाइल्ड बीस्ट केम आउट एट नाइट ट्रॉलिंग अराउंड द जंगल। दे स्मेल्ड ह्यूमंस। वी नो यू आर हाइडिंग ह्यूमंस विद इन यू। दे होल्ड एट द टिक ट्री। तो जंगली जानवर आते हैं रात को, उनको इंसानों की खुशबू आती है। तो टीक के ट्री से कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने अपने अंदर ह्यूमंस को छिपा रखा है। दे डैश्ड अगेंस्ट द ट्री, क्लॉड इट्स bark into shred, broke its branches, scattered its leaves. But the tree would not surrender the fugitives, even though blood ran from its pierced bark. तो आप देखो, वो जो जंगली जानवर है उस ट्री को नुकसान पहुंचाती है। उसको कहते हैं कि तू हमें वो ह्यूमंस दे दे। वो उसकी टहनियां तोड़ देते हैं, उस पे हमला करते हैं, यहाँ तक कि उस टीक के ट्री से खून आने लगता है। लेकिन वो टीक का ट्री उन शरणागत लोगों को उनके हवाले नहीं करता। As dawn broke, the wild beasts returned to their lairs. The exhausted tree split open and the two women came out. They saw the gaping wounds of the tree. अब जैसे सुबह होती है, जंगली जानवर वहां से चले जाते हैं, तो वो थका हुआ ट्री फिर से अपने तने को खोलता है और वो दोनों औरतें बाहर आती हैं। वो देखती हैं कि इस ट्री में कितने बड़े बड़े जख्म हो गए हैं। Good tree, said the girl and embraced it. You have given us shelter at a heavy cost. We are grateful. She went to the bank of nearby river and brought back a fistful of mud which she smeared on the open gashes of the trunk. तो वो लड़की कहती है कि तुम बहुत अच्छे पेड़ हो, तुमने बहुत भारी कीमत पर हमें शेल्टर दिया, हम तुम्हारे आभारी हैं। लड़की साथ वाली नदी के किनारे पे चली जाती और वहां से
कुछ कीचड़ अपने हाथों में लेके वापिस आती है। जहाँ जहाँ उस पेड़ को तने पे नुकसान पहुँचाया गया था वहाँ पर उस मड को लगा देती है। द ट्री फेल्ट बेटर बट यू मस्ट बी हंग्री, इट सेड टू द गर्ल, शी नोटेड। अब ट्री को कुछ अच्छा लगता है तो वो उस लड़की से पूछते है कि तुम्हें भूख भी लगी होगी, और लड़की हाँ में सिर हिलाती है। गिव योर नर्स वॉट एवर मनी यू हैव एंड लेट हर गो टू द सिटी एंड बाय सम खाई। तो वो कहता है कि तुम अपनी नर्स को पैसे दे दो जो भी तुम्हारे पास है, और वो शहर में जाएगी और खाई खरीद के लाएगी। खाई क्या होता है? रोस्टेड राइस। द गर्ल टुक आउट अ फ्यू नीडल्स एंड सम गोल्डन थ्रेड फ्रॉम हर सीविंग बॉक्स एंड गेव देम टू हर नर्स टू सेल इन द सिटी। तो लड़की कुछ सुइयां और सोने के धागे अपने स्विंग बॉक्स में से निकाल कर देती है और अपनी नर्स को उन्हें शहर में बेचने के लिए भेज देती है। द नर्स केम बैक विद अ स्मॉल सेक फुल ऑफ खाई, ईट ओनली हाफ ऑफ दिस, कमांडेड द टीक ट्रीज स्प्रिंकल द रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो नर्स थोड़ी सी खाई लेके आती है तो वो टीक का ट्री उसको कहता है कि इसमें से आधी खा लो और कुछ रिवर के किनारे तुम लोग इसको छिड़क दो। द वुमेन डिड एज दे वर टोल्ड इवन दो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड देन दे क्लाइम्ब बैक इनसाइड द ट्री ट्रंक टू स्लीप। तो उन औरतों ने वैसे ही किया लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करवाया गया है, लेकिन उन्होंने वैसे कर दिया और दोनों फिर से ट्री के तने के अंदर चली जाती है। फॉक्स ऑफ पिकॉक्स ऑलवेज केम टू द रिवर एट नाइट। When the birds saw the khai, they went mad with delight and struggled and pushed one another to pick each delicious piece of rice off the ground. In the jostling, many of their tail feathers fell off. Peacock का एक झुंड रात को नदी के पास आता था। जब उन पक्षियों ने खाई को वहाँ पे देखा तो वो उसको देख के बहुत खुश हो गए और एक दूसरे को धकेलने लगे ताकि हर कोई उन चावलों के डिलीशियस पीस को खा सके। तो ऐसी धक्का मुक्की में उनके जो फीदर्स हैं, सुंदर सुंदर पंख हैं, वो गिर गए। When morning came and the women emerged from the trunk, the tree told them, go to the river bank and gather the peacock plums that you see lying there. Stitch these plums together into a fan for the king of the city. जब सुबह होती है तो दोनों जो औरतें हैं ट्रंक में से बाहर आती हैं, तो ट्री उनको बताता है कि आप नदी के किनारे जाओ और वहां पे जो पक्षियों के पंख गिरे हुए हैं आप उनको ले आओ और उनसे शहर के राजा के लिए एक सुंदर सा फैन बनाओ। द गर्ल सीड द प्लांट्स टूगेदर एंड द नर्स टुक द फैन टू द सिटी पैलेस। तो जो लड़की है वो उन पंखों से सुंदर सा एक फैन बना देती है और नर्स उसको बेचने के लिए शहर के महल में चली जाती है। The king's son saw the fan, liked it and immediately bought it. Did you make it? He asked the nurse. तो जो राजा का बेटा है उसको ये फैन बहुत पसंद आता है और वो इसको इमिडिएटली खरीद लेता है और नर्स से पूछता है कि ये आपने बनाया है? No, she answered. तो वो कहती है नहीं, My little mistress is extremely skillful with her needle and she made it. वो कहती है कि मेरी मालकिन सुई धागे काम में बहुत सक्षम है, ये उसने बनाया है। With the money that the prince had given her, the nurse brought some more khai and again half of it was eaten and half strewn on the bank of the river. Every night the peacocks came and every morning the little girl had enough feathers for a fan. तो उससे जो राजकुमार से उसको मनी मिलती है उसमें से नर्स फिर से कुछ खाई खरीद लेती है, फिर उसमें से आधी खा लेते हैं और आधी नदी किनारे फैला देते हैं। रात को पीकॉक आते हैं और सुबह छोटी लड़की को फैन बनाने के लिए पर्याप्त पंख मिल जाते हैं। द नर्स टुक द फैंस टू द पैलेस वेयर दे हैड बिकम वेरी पॉपुलर विद प्रिंस फ्रेंड एंड सोल्ड देम टू द कोर्ट। और नर्स उसको पैलेस में ले जाती है जहां पर उनके जो फैन है वो प्रिंस के फ्रेंड्स के अंदर बहुत पॉपुलर हो चुके थे और वो उनको जाके कोर्ट के अंदर बेच देती है। एवरी टाइम शी मेट द प्रिंस ही क्वेश्चन हर अबाउट हर मिस्ट्रेस, वुडंट शी कम टू सेल देम हरसेल्फ, ही आस्क्ड। जब कभी भी वो प्रिंस से मिलती तो प्रिंस उससे यही क्वेश्चन करता है कि उसकी मालकिन खुद क्यों नहीं उनको बेचने आती। ओ नो सर, आंसर द शॉप नर्स, माई मिस्ट्रेस इज एक्सट्रीमली वेल बॉर्न, शी वुड नेवर कम टू द मार्केट। वो कहती है कि मेरे मिस्ट्रेस का पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, वो कभी भी मार्केट में इनको बेचने के लिए नहीं आएगी।
With the money that the fans brought, the girl made a little house near the teak tree. She lived there with her nuts. अब फैन बेचकर जो भी पैसा आता था उनसे उस लड़की ने एक छोटा सा घर बना लिया टीक ट्री के पास ही और वो उसमें अपनी नर्स के साथ रहने लगी. Meanwhile, the prince grew more and more curious about the desperate seamstress and one day he followed the nurse back from the sitting and saw the girl. She had grown slender and beautiful. He decided to marry her. इस समय के दौरान जो प्रिंस है वो और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया कि कौन इतना सक्षम है जो इतने प्यारे फैंस बना रहा है. तो वो क्या करते हैं, एक दिन नर्स के पीछे पीछे चला जाता है और उस लड़की को देख लेता है. शी हैड ग्रोन स्लेंडर एंड ब्यूटीफुल, वह अब और भी सुंदर हो चुकी थी. ही डिसाइडेड टू मैरी हर, वो जो प्रिंस है वो ये डिसाइड करते है कि मैं इस लड़की से मैरिज करूंगा. द किंग द प्रिंस एंड द कॉर्टियर्स केम टू द फॉरेस्ट फॉर द गर्ल refused to be married anywhere else. अब राजा, राजकुमार और उसके सभी दरबारी जंगल में आते हैं क्योंकि वो लड़की कहीं और मैरिज करने के लिए इनकार कर देती है. द सेरेमनी वॉज हेल्ड बिफोर द टीक ट्री, और ये सारी सेरेमनी टीक ट्री के सामने होती है. विच वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स फॉर द ओकेजन, जो फूलों की मालाओं से सजाया गया था. द ब्राइड एंड ग्रूम पोर्ड मिल्क एट इट्स रूट, और जो दूल्हा दुल्हन है वो इसकी जड़ों में दूध डालते हैं. द मर्चेंट एंड हिज डॉटर्स अटेंडेड द वेडिंग टू एंड ऑल थैंक द टीक ट्री फॉर इट्स विजडम एंड केयर. अब जो व्यापारी है और उसकी बेटियां हैं वो भी इस विवाह में आते हैं और सभी टीक के ट्री को उसकी बुद्धिमता और केयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं. है ना बहुत अच्छी स्टोरी. आई होप आपको ये समझ आ गई होगी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.